आज अपन करेंगे क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर फोर का एक टॉपिक जिसका नाम है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि जब हम करंट कैरिंग कंडक्टर को कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, यानी कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर हम करंट कैरिंग कंडक्टर को रखेंगे तो उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, एक मैकेनिकल फोर्स लगेगी, उसी की हम स्टडी करने वाले हैं। मैं आपको याद दिला दूं, आपने एक और टॉपिक पढ़ा था जब हमने चार्ज पार्टिकल पर फोर्स को पढ़ा था, ठीक है। तो दोनों में फर्क है, यहाँ पर हम पढ़ेंगे फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी कि करंट कैरिंग कंडक्टर जो है उस पर कितनी फोर्स लग रही है वो कैलकुलेट करेंगे। और वहां हमने किया था कि जो चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगती है वो कितनी लगती है। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं अपन आज की वीडियो। हेलो दोस्त, जय हिंद जय भारत। स्टार्ट करते हैं अपन आज का टॉपिक। अपन का टॉपिक है जो हमें कैलकुलेट करनी है भाई फोर्स। अब फोर्स कैलकुलेट करनी है किसके ऊपर? करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। ओके, व्हेन अ कंडक्टर कैरिंग करंट इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ मैकेनिकल फोर्स। ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर को, यानी एक ऐसा कंडक्टर जिसमें करंट हो, उसको उठाकर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो इट एक्सपीरियंस अ मैकेनिकल फोर्स, वो एक मैकेनिकल फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। मैकेनिकल फोर्स का मीनिंग क्या है? कि ऐसी फोर्स जो उसे मूव करा सके, या लेफ्ट में या राइट में या ऊपर या नीचे, ठीक है। इस टाइप की फोर्स को हम कहते हैं मैकेनिकल फोर्स, जो मूव करा सके उस वायर को या उस कंडक्टर को, ठीक है। एक बात क्लियर हो गई, कंडक्टर को रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड में, उस पर मैकेनिकल फोर्स एक्सपीरियंस होगी। फोर्स तो होगी मैकेनिकल इन नेचर। ओके, कंसिडर अ कंडक्टर पी क्यू ऑफ लेंथ एल। अब भाई कंडक्टर है तो उसको प्लेस करना पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड में, तब हम स्टडी करेंगे कि उस पर कितनी फोर्स लगेगी। तो अब हम मान के चलते हैं कि एक अपन का कंडक्टर है पी क्यू जिसकी लेंथ है एल। अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा, टेंशन वाली बात नहीं, अभी थोड़ा सा इमेजिन करो, ठीक है। एक कंडक्टर है पी क्यू जिसकी लेंथ है एल, यानी कितनी लेंथ है उसकी गिवन? एल लेंथ गिवन है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लो ये कंडक्टर है, इसकी लेंथ एल है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब होता है इसकी थिकनेस, जो ये वायर है या जो कंडक्टर है वो कितना मोटा है, तो इसकी थिकनेस होती है। अगर ये ज्यादा मोटा होता वायर तो हम कहेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है, अगर ये बहुत पतला होता तो हम कहेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया इसका बहुत कम है, ठीक है। तो एक पी क्यू कंडक्टर है जिसकी लेंथ एल है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, कैरिंग करंट अलोंग वाई डायरेक्शन, करंट को कैरी किया हुआ है अलोंग वाई डायरेक्शन। अभी डायग्राम बनाऊंगा बहुत अच्छे समझ आ जाएगा, एक्स वाई डायरेक्शन भी पता है, क्लियर होते हैं। जैसे एक्स ये है, वाई ये है, तो जेड ऊपर की तरफ होगा, ठीक है, अभी डायग्राम बना देंगे। द फील्ड बी एक्ट अलोंग द पॉजिटिव जेड एक्सिस एंड द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट विद द वेलोसिटी वी डी। जो इलेक्ट्रॉन है वो लेफ्ट में टुवर्ड्स कर रहे हैं विद वेलोसिटी वी डी। अब आपको डायग्राम थोड़ा सा दिखा देता हूं तो वहां से क्लियर हो जाएगा जो जो बातें की गई हैं, ठीक है। अब देखो डायग्राम को ध्यान से देखना, ये अपन का वो है कंडक्टर है, ठीक है, ए बी कंडक्टर है, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है, इसकी लेंथ कितनी गिवन है? एल लेंथ गिवन है। इस कंडक्टर की कितनी लेंथ गिवन है? एल, ठीक है, यानी कि इसकी जो यहां से यहां तक लेंथ है वो कितनी है मेरे भाई? एल लेंथ है। अब ध्यान से समझना क्या बोल रहा है ये, इन्होंने एक्स एक्सिस माना है किधर? बाहर की तरफ, ऐसे समझो इसे, एक्स एक्सिस आपकी तरफ है, जेड एक्सिस ऊपर की तरफ है। अब ध्यान से समझना, एक्स एक्सिस आपकी तरफ है, जेड एक्सिस ऊपर की तरफ है, तो वाई एक्सिस किधर होगा? इस तरफ होगा भाई। एक्स वाई जेड प्लेन कैसे बनता है? तीनों परपेंडिकुलर होते हैं म्यूचुअल, यानी एक्स आपकी तरफ, जेड ऊपर की तरफ, वाई एक्सिस इस तरफ, तो क्या हो गया? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, क्लियर है ना? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस परपेंडिकुलर, और इसके ऊपर जेड एक्सिस, बिल्कुल क्लियर हो गया। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, बहुत बढ़िया, ठीक है, इमेजिन करो। अब देखो जेड एक्सिस, अब देखो कंडीशन क्या क्या है, इन्होंने बोला है जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है किसकी? इलेक्ट्रॉन की, वो किधर है? लेफ्ट साइड में है, यानी कि इस साइड में है। तो आप देख पा रहे हो डायग्राम से ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, यानी कि नेगेटिव वाई डैस, ऐसे तो लेते हैं पॉजिटिव ऊपर, पॉजिटिव नेगेटिव, कार्टेशियन प्लेन के अकॉर्डिंग मैस में, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन की वो लेफ्ट में है, बहुत बढ़िया। मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस की तरफ है, यानी ऊपर की तरफ है, ओके। और जो करंट एलिमेंट है, अब आपको पता है कि करंट किधर फ्लो करता है? करंट फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। तो आपकी ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस तरफ है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस तरफ है, तो करंट एलिमेंट किधर है? इस तरफ, यानी आई एल। क्लियर है डायग्राम? डायग्राम समझना बहुत ज्यादा ही जरूरी है आपके लिए, बाकी तो हो जाएगा। फिर से एक बार मैं वो बता देता हूं, देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपकी इस तरफ, यानी इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है इस तरफ। अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस तरफ हो रहा है तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, यानी करंट कहां फ्लो करेगा? इस तरफ। तो इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा है तो करंट किधर फ्लो करेगा? इस तरफ, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड कहां है? ऊपर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर की तरफ, तो फोर्स कहां लगेगी?
अब आपको बताया फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या बताता था, थोड़ा सा वो भी फील करा देता हूँ। यहाँ तक डायग्राम बिल्कुल क्लियर है ना? डायग्राम कैसा है, एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ एल है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की इस तरफ है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की इस तरफ है, तो करंट किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। करंट इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, यानी जेड एक्सिस के अलोंग। वाई एक्स एक्सिस किधर है, आपकी तरफ, एक्स एक्सिस आपकी तरफ, वाई एक्सिस इस तरफ, जेड एक्सिस इस तरफ, बिल्कुल क्लियर है। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर था। अब याद करो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हम लगाया करते थे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करने के लिए। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करते हैं, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लिया, लेफ्ट हैंड लिया, क्या कहता था कि अपनी फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को परपेंडिकुलर रखो एक दूसरे के। आपकी जो फोर फिंगर है वो बताएगी क्या मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मिडिल फिंगर बताएगी आपका करंट का डायरेक्शन, और जो थंब है आपका वो बताएगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्लियर है? तो जैसे ही अब इसको हम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, अब देखो पुट करूं, अब ये क्या बोल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, यानी फोर फिंगर को रखो ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ। अब क्या कह रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस तरफ है, तो करंट का एलिमेंट किस तरफ है, इस तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा है तो अपोजिट करंट इधर होगा। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो करंट किधर है, इस तरफ, यानी ऐसे शिफ्ट करो। अब ये ज्यादा ठीक है, तो देखो ध्यान से समझना, ये दिख रहा है आपको कि मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर की तरफ, और जो करंट एलिमेंट है वो है आपका इस तरफ, थंब कहाँ जा रहा है, आपकी तरफ, यानी फोर्स कहाँ लग रही होगी इस कंडक्टर पे, आपकी तरफ। तो देखना फोर्स किधर लग रही है, एक्स एक्सिस आपकी तरफ, फोर्स कहाँ लग रही है, आपकी तरफ। फील आया, तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, करंट आपका इस तरफ, और जो फोर्स लग रही है वो बाहर की तरफ, यानी आपकी तरफ। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगा के दिख गया, क्लियर है? अब डायग्राम समझ आ गया, अब आसानी से हम कर सकते हैं इसको, ठीक है? अब देखो आगे, अब ध्यान से समझना, ये सारी कहानी क्लियर होगी, वही जो भी समझाया वही लिखा हुआ है। कंसीडर कंडक्टर PQ ऑफ लेंथ L, जिसका एरिया क्रॉस सेक्शन A है, यानी जो उसकी थिकनेस है वो A है, कैरिंग करंट अलोंग Y डायरेक्शन, किधर था करंट, Y डायरेक्शन के अलोंग, यानी इस तरफ था। आगे था द फील्ड भी एक्ट अलोंग द Z डायरेक्शन, कहां था मैग्नेटिक फील्ड, जेड डायरेक्शन, ऊपर की तरफ, ठीक है? एंड द मैटीफील जेड एक्शन तक इलेक्ट्रिक ड्रिफ्ट टूवर्स विद द वेलोसिटी VD। अब उसके ड्रिफ्ट वेलोसिटी की किधर थी, लेफ्ट साइड में थी, यानी इस साइड करंट था, इस साइड ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी इलेक्ट्रॉन की। फोर्स की बात नहीं की थी, लेकिन मैंने फोर्स आपको निकाल कर दिखा दी डायरेक्शन के साथ। अभी फोर्स का मैग्नीट्यूड तो मेरे भाई क्लियर करेंगे ही हम, लेकिन डायरेक्शन में पहले बता चुका। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाया था ना अभी, आपको क्या पता था, करंट का डायरेक्शन पता था, आपको क्या पता था, मैग्नेटिक फील्ड पता था, करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, थंब आपकी तरफ, यानी फोर्स बाहर की तरफ, और ये क्या माना, एक्स एक्सिस, तो फोर्स हो गई एक्स एक्सिस की तरफ। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स तो मैं पता चल गया, हमें कैलकुलेट करना है मैग्नीट्यूड। ओके, ठीक है। अब एक बात बताओ, आप लोगों ने ये तो पढ़ा था फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल, ये तो हम पहले ही कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में, तो चार्ज पार्टिकल पर फोर्स निकाल सकते हैं। अब यहां पर चार्ज पार्टिकल कौन है, आपका इलेक्ट्रॉन, तो ईच इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस अ मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स, ईच इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस अ मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स अलोंग पॉजिटिव एक्सिस विच इज गिवन बाई, हर इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लग रही है, ठीक है, ईच इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस विच इज गिवन बाई, एक फोर्स लग रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, ठीक है, किस पर, हर पार्टिकल पर। ओके, कितनी फोर्स लगती थी आपको याद हो तो, एफ इक्वल्स टू ई ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू बी, आपको ये फॉर्मूला याद है कि जो फोर्स लगती थी, फोर्स ईच इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस द मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस विच इज गिवन बाय एफ इक्वल्स टू माइनस ई वीडी क्रॉस बी, ये आपको पहले से पता होना चाहिए, आपको पता भी हुआ फॉर्मूला था, क्लियर है? अब एक बात बताओ, हर इलेक्ट्रॉन पे एफ फोर्स है, स्मॉल एफ इसलिए मैंने डिनोट किया है क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन की फोर्स है, मुझे निकालना पूरे कंडक्टर पर लगने वाली फोर्स, तो एफ इक्वल्स टू ई वीडी क्रॉस बी, ठीक है, स्मॉल इलेक्ट्रॉन हो गया ई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी क्रॉस बी, ये फॉर्मूला आपको पहले से पता है, यहां तक बात क्लियर है। अभी क्या पता चला है, फोर्स ऑन ईच पार्टिकल, जो इलेक्ट्रॉन है, तो एफ इक्वल्स टू माइनस का ई वी डी क्रॉस बी, ठीक है, माइनस का ई आपका एक इलेक्ट्रॉन हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसकी स्पीड हो गई बी वेक्टर, और ये नेगेटिव साइन क्यों बता रहा है, नेगेटिव साइन बता रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो इस तरफ कर रहा है तो इसकी डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन हमने इस तरफ ली है, पॉजिटिव एक्सेस की तरफ, इसलिए हमने नेगेटिव साइन लगा दिया, क्लियर है? अब ये बात थी एक इलेक्ट्रॉन पर, तो अब हम पता करेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अगर एक कंडक्टर है और हमें उस कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाली फोर्स पता चल गई, तो टोटल फोर्स कितनी लगेगी, जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालता हूं मैं, ध्यान से समझना, इफ एन इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, अगर एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है पर यूनिट वॉल्यूम, यानी यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन है, तो देन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर इज, तो उस कंडक्टर में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, तो उस कंडक्टर में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे एन इंटू वॉल्यूम। सीधी सी बात है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन है पर यूनिट वॉल्यूम, यानी वन यूनिट वॉल्यूम में एन इलेक्ट्रॉन है, मल्टीप्लाई भाई
मल्टीप्लाई क्या कर दो, अब यूनिट वॉल्यूम में एन इलेक्ट्रॉन है तो टोटल वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एन इंटू वी, एन इंटू वी। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है आपको याद होगा कि वही वॉल्यूम इक्वल्स टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, किसी का भी वॉल्यूम निकालना हो तो। और लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, एरिया, तो एरिया इंटू हाइट। तो वी इक्वल्स टू क्या बोल सकता हूं मैं, एरिया इंटू हाइट। अब एरिया इंटू हाइट, अब ध्यान से समझना, कंडक्टर केस में एरिया हो गया ये क्रॉस सेक्शन एरिया, क्या मैं हाइट को लेंथ लिख लूं, क्योंकि भाई हाइट भी तो एक तरह से लेंथ ही होती है, तो कंफ्यूज नहीं होना। इस कंडक्टर के अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, ये कंडक्टर है मेरा, इसकी थिकनेस ए है, तो इसका एरिया ए है और इसकी लेंथ एल है, तो क्या मैं इसका वॉल्यूम ये बोल सकता हूं ए इंटू जो ये डिस्टेंस है, यानी कि इसे हाइट कह लो चाहे लेंथ कह लो, तो अच्छा रहेगा वी इक्वल्स टू मैं क्या लिख दूं, ए इंटू एल। तो वॉल्यूम पता चल गया किसका, टोटल वॉल्यूम उस कंडक्टर का। अगर यूनिट वॉल्यूम में एन इलेक्ट्रॉन है, एन इंटू वॉल्यूम, अभी मैंने निकाला वॉल्यूम में कितना ए एल, तो यहां पे ए एल लिख दिया, यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर कितने हो जाएंगे, एन ए एल। तो एन इक्वल्स टू क्या हो गया, एन इंटू ए एल। ये बात क्लियर है, एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर, कैपिटल एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, यानी पर यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन, ए क्या है आपका क्रॉस सेक्शन एरिया और एल क्या है आपका लेंथ ऑफ द कंडक्टर। क्लियर है, टोटल फोर्स ऑन द कंडक्टर इज, तो टोटल फोर्स कितनी लगेगी, अब एक बात बताओ, अभी भी एक इलेक्ट्रॉन में फोर्स निकाली थी, एक इलेक्ट्रॉन में फोर्स कितनी निकली थी हमारी, एक इलेक्ट्रॉन में फोर्स थी हमारी एफ माइनस ई वी डी क्रॉस बी, एफ माइनस ई, यहां लिख देता हूं कितनी थी, एफ माइनस ई वी डी क्रॉस बी, ये थी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू बी, एक इलेक्ट्रॉन पे इतनी थी। अगर एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इतनी है माइनस का ई वी डी इंटू बी, तो टोटल इलेक्ट्रॉन जो एन है उन पर कितनी होगी, मल्टीप्लाई बाई एन, कर दू कि नहीं कर दू भाई, टोटल एक इलेक्ट्रॉन पे लगने वाली फोर्स पता है और टोटल इलेक्ट्रॉन आपको पता है कि कैपिटल एन है, तो एन इंटू जितना एक इलेक्ट्रॉन में फोर्स थी। अब एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन ए एल, तो इस एन की जगह क्या पुट कर सकता हूं मैं, स्मॉल एन मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई एल। तो देखो मैंने पुट कर दिया, जैसे मैं एन की जगह पुट किया मैंने एन ए एल, तो देखो एन ए एल एन की जगह आ गया, माइनस ई एज इट इज वी डी एज इट इज बी एज इट इज। यहां तक बात बिल्कुल क्लियर है, हमने अभी तक क्या निकाला, हमने निकाला कि भाई एक इलेक्ट्रॉन पे अगर इतनी फोर्स लगती है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर कैपिटल एन गिवन है तो उन पर कितनी फोर्स लगेगी, तो पता चला उन पर इतनी फोर्स लगेगी, कैसे निकाला, एक इलेक्ट्रॉन की फोर्स यानी कि स्मॉल एफ मल्टीप्लाई बाई टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि कैपिटल एन, जैसे हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल गया एन ए एल, और एन ए एल क्या है, कैपिटल एन की वैल्यू, कैपिटल एन की वैल्यू क्या है, एन ए एल। तो जैसे ये पुट की तो एन ए एल माइनस ई वी डी क्रॉस बी, यहां तक किसी को किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अगर डाउट हो तो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बता सकते हो। अब ये निकला टोटल फोर्स किस पे, उस कंडक्टर में जितने भी इलेक्ट्रॉन है उन पे। अब आगे देखते हैं क्या होगा, अब जैसे ही इफ आई एल रिप्रेजेंट अ करंट एलिमेंट, ठीक है, आई एल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट एलिमेंट को, याद है ना, इस तरफ हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं आई एल, ठीक है, आई एल वैक्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट एलिमेंट को। आई एल वैक्टर क्यों बनाया मैंने, क्योंकि देखो करंट तो स्केलर क्वांटिटी है, करंट का तो डायरेक्शन होता नहीं है, तो एल वैक्टर, यहां पर वैक्टर कौन है, एल वैक्टर, तो वो बता रहा है कि भाई इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, समझ आ रही है ना, करंट का डायरेक्शन बताना पड़ेगा, लेकिन करंट तो स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं, तो आई के ऊपर तो वेक्टर आ नहीं सकता, तो वेक्टर कहां आएगा, एल के ऊपर आएगा, क्योंकि लेंथ बता रही है कि भाई इस डायरेक्शन में, आई एल वेक्टर है इस डायरेक्शन में। यहां तक क्लियर है, आगे इफ आई एल रिप्रेजेंट अ करंट एलिमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी करंट का डायरेक्शन कौन बता रहा है, आई एल वेक्टर, बहुत बढ़िया, क्योंकि आई स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो डायरेक्शन बताना था आई का, तो उसके साथ यूज कर लिया एल को, करंट एलिमेंट आई एल वेक्टर, ठीक है। अब एक बात बताओ, वेक्टर आई एंड वी डी, अब देखो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी किधर, लेफ्ट में, करंट फ्लो कर रहा है राइट में, ठीक है, तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इन्होंने बताया क्या, मैं आई इंटू वी डी को वी डी क्रॉस आई लिख सकता हूं माइनस साइन लगा के, क्योंकि देखो आई इंटू वी डी क्या बता रहा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट का डायरेक्शन है अपोजिट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट का डायरेक्शन है अपोजिट। अब मैंने वेक्टर बदल दिया तो वी डी इंटू आई, ठीक है, वी डी क्रॉस आई, अब ये क्या हो गया, नेगेटिव साइन बन गया मेरा पॉजिटिव, मैंने क्या कर दिया, डायरेक्शन बदल दिया, यानी करंट वाले डायरेक्शन में ले लिया, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को और डायरेक्शन इधर बताया जा रहा था नेगेटिव साइन था, तो मैंने नेगेटिव साइन को हटा के ड्रिफ्ट वेलोसिटी में जो डायरेक्शन है वो मैंने करंट की तरफ ले लिया, किसकी तरफ ले लिया, करंट की तरफ, ओके। तो अब हम जानते हैं कि आई कष्ट होता है ई एन ए वी डी, याद हो तो, ये हमने पहले ही निकाला था,
करंट करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ाता था, वहां पे हमने एक फॉर्मुला निकाला था कि आई एन ए इक्वल टू द ई एन ए वी डी, यानी ई इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया, वी डी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो एफ इक्वल्स टू कितना हो गया हमारा आई एल क्रॉस बी। अब देखो ये कैसे आ गया, ध्यान से समझना। अब एफ इक्वल्स टू हमारा क्या था, पहले से मैं नोट कर देता हूं, इसे रफ कर दूं। देखो ध्यान से समझना इस बात को कि ये कैसे आ गया, बस एक छोटा सा स्टेप है। देखो एफ इक्वल्स टू मेरा क्या था, यहां पे एन ए एल, एन ए एल एफ इक्वल्स टू था मेरा एन ए एल, फिर आगे था एन ए एल, फिर आगे था माइनस का ई वी डी क्रॉस बी, माइनस का ई वी डी वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर, ये था। ठीक है, एफ इक्वल्स टू, अब एक बात, अभी अभी हमने बोला कि ई एन ए वी डी को आई लिख सकता हूं मैं, क्या लिख सकता हूं, आई इक्वल्स टू ई एन ए वी डी। तो देखो ई एन ए और वी डी, अब देखो माइनस ई इंटू वी डी, ये तो यहां क्लियर हो गया कि भाई ई एन ए वी डी को क्या लिख सकता हूं मैं, आई लिख सकता हूं, पहले ये देखो सीधा सीधा ई एन ए वी डी, तो ई एन ए और वी डी इसको क्या लिख सकता हूं आई, तो एफ इक्वल्स टू हो गया आई। ठीक है, एफ इक्वल्स टू हो गया आई। अब देखो माइनस वी डी और एल बचा, माइनस वी डी और एल, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और क्या है करंट एलिमेंट। अब इसके अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी में हमें पता है डायरेक्शन क्या है, अलोंग द करंट, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यानी कि ई एन ए, ई एन ए और वी डी तो चला गया कहां पर, ई एन ए वी डी चला गया अपन का आई के फॉर्म में, यानी ये तो बन गया आई ई एन ए वी डी, और जो बचा एल और बी वो इस तरीके से लग गया, यानी कि जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा करंट कैरिंग कंडक्टर पर वो कितना होगा, आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। बात बिल्कुल क्लियर अच्छे से। ठीक है, तो आगे बस यही स्टेप यहां ध्यान देने वाली आता कि जो फोर्स लगेगी करंट कैरिंग कंडक्टर वो कितनी लगेगी, वो लगेगी आई एल क्रॉस बी। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज गिवन बाई आई एल बी साइन थीटा। अब सिंपल आपको पता है कि एल क्रॉस बी का मतलब क्या होता है, ए क्रॉस बी प्रोडक्ट क्या होता है, ए बी साइन थीटा, तो यहां पे हो गया एल बी साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। जो थीटा है वो एंगल किस किस के बीच में होगा, मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट, जो फ्लो ऑफ करंट का डायरेक्शन है आई उसकी डायरेक्शन में, और जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है उन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो थीटा होगा। तो कंक्लूजन ये निकला कि भाई मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगी, जो हमारी फोर्स लगेगी किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर पर, जब भी वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा वो फोर्स लगेगी आई एल क्रॉस बी, या मैग्नीट्यूड बताना हो तो आई एल बी साइन थीटा। ठीक है, अब कुछ स्पेशल केसेस देख लेते हैं, जैसे कि मान लो कि थीटा जीरो हो जाए या 180 हो जाए। थीटा जीरो या 180 का मतलब क्या है कि करंट के डायरेक्शन में ही, एल बी साइन थीटा था ना, करंट का जो डायरेक्शन है वो किधर हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन हो जाए, तो साइन जीरो पुट करूंगा तो आई बी एल साइन थीटा, थीटा की वैल्यू क्या पुट करूंगा मैं, जीरो, तो साइन जीरो क्या होता है, जीरो, तो फोर्स निकल आई मेरी जीरो। थस अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड टू द पैरेलल और द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, यानी जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर को डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग रखा जाता है तो उस पर जीरो फोर्स लगती है, यानी उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, कोई भी काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होगा। दूसरा, अगर वो थीटा 90 हो, यानी करंट कैरिंग एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर हो, तो कितनी फोर्स लगेगी, तो फोर्स लगेगी आई एल बी साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो जैसे मैं साइन 90 की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो मेरा आगे आई एल बी, और ये आपकी होती है मैक्सिमम फोर्स। तो आपको याद रखना है, जब भी करंट कैरिंग एलिमेंट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो या एंटी पैरेलल हो तो उस पर फोर्स लगती है जीरो, और जब वो करंट कैरिंग एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो तो वो केस होता है मैक्सिमम फोर्स का, जो कि होती है आई एल बी। दस अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ मैक्सिमम फोर्स, यानी वो एक्सपीरियंस करता है मैक्सिमम फोर्स को। तो क्लियर है कि कब करंट कैरिंग एलिमेंट पर कितनी फोर्स लगती है, आई एल बी साइन थीटा, और उसका जो मिनिमम फोर्स है वो जीरो है, वो कब लगती है, जब करंट कैरिंग एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन हो। मैक्सिमम कब लगती है, करंट कैरिंग एलिमेंट या करंट का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो। यहां तक बिल्कुल अच्छे से क्लियर है, आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में अपने नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।